अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेके। कल हमने तीन ड्रामों का रिव्यू किया जिसमें शामिल थे बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट और ड्रामा सीरियल हमारा आपका फेवरेट खई और स्टैंड अप गर्ल। और खई की लास्ट एपिसोड थी, बहुत मिस करेंगे हम खई को। लेकिन आज भी जिन दो ड्रामों का रिव्यू हम करने वाले हैं वो भी बहुत ही खास है, हमारे जजेस को तो बहुत पसंद है। उनमें से एक ड्रामा जिसके बारे में फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ, लेकिन दूसरा आवाम को बहुत पसंद है। तो मुकाबला है जजेस वर्सेस आवाम, तो क्या होगा, बहुत मज़े का होने वाला है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, नादिया खान एंड रुबीना अख्तर। और जो जजेस को बहुत पसंद है उस ड्रामे का, सबसे पहले तस्करा करते हैं, वो है जी जाने जहाँ। सो मरीना जी, जाने जहाँ आप एक हफ्ता नहीं थी, आपको हाँ, नहीं पता तो मैंने इमाम ने कितनी तारीफ की थी। हाँ, द फ्लड वाला ऐसा एपिसोड ना, इट वाज, मैंने देखना तो मेरे लिए बहुत जरूरी था बिकॉज आई वाज एंटिसिपेटिंग कि कैसे करेंगे एंड आई थिंक दे शॉट इट वेरी वेरी वेल। मुझे भी था कि फ्लड वाला था, बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी वेल डन। आई एंजॉय वॉचिंग जाने जहाँ बिकॉज मुझे इसमें ना फ्लैशबैक्स का मसला है ना स्लो मोशन का मसला है। कहानी मूव कर, मतलब इस दफा एक नई चीज होगी ना, दोनों भाई मुकाबले में खड़े हो गए, मतलब एक और एक नया, हर इट्स अ हां एवरी टाइम इट्स जस्ट द होल थिंग हैज बीन मूविंग फॉरवर्ड एंड आई एम सो वांटिंग व्हाट्स हिज नेम शहराम एंड मानू टू गेट टुगेदर। वो भी गेज कर चुका है, अभी हमारा जो आर्किटेक्ट है उसने भी देख लिया कि कुछ है, उसकी तरफ से फीलिंग्स है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। वाई हैज आंटी ब्यूटी पार्लर डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मेरे लिए अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। व्हाई नॉट वो एक इंसान इतना कुछ आपके लिए कर रहा है, क्यों ना। देन आई एम होपिंग दैट शी डज फाइंड आउट आफ्टर शी इज मैरिड। अब ये तो ड्रामा, हां बिकॉज It can't go that smoothly. कुछ तो होगा, हमारे ड्रामा विलन के साथ बुरा तो होता ही है। So for me, it's always a. I love this play. Nadia. अच्छा, इस last episode पे बड़ा मजा आया, हमने बड़ा enjoy किया सारे sequence को। ये episode मुझे लगा बस बहुत थोड़ा fast, ज़्यादा fast था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, किसी कोई सीक्वेंस नहीं था। एक होता ना सीक्वेंस चल रहा है, कुछ भी नहीं, बस एक सीन इधर 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 आया, इट वॉज टू फास्ट। और मुझे थोड़ी तप चढ़ी थी मानूर के कैरेक्टर पे कि वो इतनी बदतमीजी क्यों कर रही है, मुझे ना तो शहराम के साथ इसकी ऐसी बदतमीजी बनती नहीं है। हर डिसीजन जब आपकी अपनी हो जिंदगी में कि जी मैं इस अभी से शादी नहीं करूँगी, मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, मेरा इशू है, सडनली मैंने इसको बताया भी नहीं, मंगनी कर ली, उसके बाद अब मैं उससे बदतमीजी कर रही हूँ, मैं अब उसको लोगों के सामने इंसल्ट भी कर रही हूँ, क्या हो गया इस कैरेक्टर को। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी लड़की थी मानूर, तो कभी बदतमीज थी नहीं। Exactly. अब और वो बच्चे भी नोट कर रहे हैं कि टीचर खरांट हो गई है, वो भी उसको कह रहे हैं नॉट स्माइलिंग, नॉट स्माइलिंग। सैडनेस बनती है, बदतमीजी और गुस्सा नहीं बनता उस बंदे को जिसको आपने खुद रिजेक्ट किया है। क्या इमोजी आपके पास? इस पे इमोजी कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं कहूँ बड़ा मैंने मुझे बहुत मजा आया, इस दफा नहीं आया। पेंटिंग वाला भी नहीं मुझे समझ में आया, ये आप नहीं है, वो खुश है, ये खुश नहीं है, आप ज्यादा उसमें खुश लग रहे हैं, ये आप नहीं लग रहे हैं। इंपैक्ट कम था इस दफा। शॉक थम्स अप, ओके। ये अच्छा शॉक दिया ये थोड़ा सा, ओके। रुबीना जी, मेरे लिए ये मैं सोच रही थी इस एपिसोड में ये हुआ कि प्रोग्रेशन ये हुआ कि एक बेटे को इलेक्शन में खड़े होने की ऑफर दी, और ज्यादा कंपेलिंग बात ये थी कि शहराम ने भी कहा कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, और दूसरा कन्फेशन उसने किया जो किश्वर थी, दैट्स द नेम ना, माँ के माँ के सामने कि हाँ मैं मुझे नफरत है उससे। सो टू कन्फेशन, वो भी बड़ा इलेक्शन, मेरा फेवरेट सीन वही था। हाँ, मदर के जहाँ वो कैसे माँ उसे खौफ भी दिलाती है कि तुम, माँ वही सब कहती है जो कि वो पहले सुन चुकी भी है मानूर से, और फिर अब माँ कहती है वही सब। सो प्रोग्रेशन था बट कम था, जितना हमें देखने की आदत है उतना नहीं था। लेकिन This whole episode for me was about the shades of acting of Shahram. Oof, so good. Which were beautiful. So good. So good. And zahir hai ki wo sirf ek banda tha jo leke chala hai mere hisab se episode. So one thumbs and one thumbs up. Writing ki baat ki jaye aur Rida Bilal. So whatever Rubina just said, ke
जो कहानी में जो मुझे जो प्रोग्रेशन नज़र आई लव द फैक्ट दैट सडनली बोथ ब्रदर्स आर गोइंग टू बी अगेंस्ट ईच अदर देन द मदर ऑलरेडी कन्फेसिंग दैट ये मैं इस बच्चे से नफरत करती हूँ अब ये मेरे बेटे के साथ खड़ा बिकॉज शी नोज़ कि वो हार जाएगा अगर वो उधर माँ दोनों माँ बेटी का सीन बहुत अच्छा था राइटिंग के कितने नंबर है आपके पास सो आई एम गोइंग टू गिव इट एन 8 शुक्र है मुझे अच्छा लगा राइटर ने वो नहीं किया कि भाई मेरा भाई अगर खड़ा हो रहा है तो फिर मैं नहीं खड़ा होता कुर्बानी दे दूँ कोई कुर्बानी की बात नहीं हीरो बड़ा क्लियर है कि जी उसका मकसद कोई और है खड़े होने का और वो कहता है मेरा मकसद ही कुछ और है इलेक्शन में खड़े होने का तो मैंने नहीं गिव अप करना दैट्स शोज हिज स्ट्रेंथ और बहुत अच्छी बात है तो आई लव द राइटिंग एंड द फैक्ट कि आई रिमेंबर दीज लाइंस एंड सो मेनी मोर तो 8 पहले शुरू में 1 थम्स अप करना चाहिए था अब तो हो गया लेकिन कंफ्यूजन है वो मैं उसी लड़की से ओके ओके राइटिंग ठीक है मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्लोअर हुई है बट प्रोग्रेशन सही है क्योंकि हमजा अब हेड ऑन ले रहा है ना सब कुछ और अब राइटर जो है ना वो हमजा दिखा रही है हमें तो मेरा ख्याल है स्टोरी का प्रोग्रेशन बिल्कुल सही है मज़े का है स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड बट वो पता चल रहा है सिर्फ हम महानूर पे फंसे हैं हल्का सा बट मुझे लगता है कि वो आगे खुलेगा क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ था कहने को सो आई थिंक एन 8 फॉर श्योर ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी टोटल वोट जो राइटिंग कैटेगरी में कास्ट हुए 10,200 हुए हैं और ड्रामा सीरियल जाने जहां से रिदा बिलाल के हिस्से में आए 1,632 16% मतें हैं जो कि 1.6 है नॉट बैड वेरी गुड फिर भी लोग हाँ देख रहे हैं अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की मैना जी कासिम अली मुरीद हाउ द डायरेक्टर इज गेटिंग दैट एंड वो किसी शॉट को यू नो यू नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग आप किसी के एक्सप्रेशंस मिस नहीं कर रहे सो आई विल गिव हिम 9 आई एम गोइंग टू गिव हिम 9 आई रियली लाइक दिस आई थिंक ही इज डूइंग सच अ गुड जॉब आई विल गिव हिम अ 7 7 वेरी गुड जॉब रवीना जी डायरेक्शन मेरे हिसाब से कहीं क्योंकि ये सिंपल एपिसोड था सिंपल कन्फ्रंटेशन इज नथिंग मच टू इट बट ऐसा नहीं था कि कहीं पे भी डिसअपॉइंटिंग हो इट सर्व द पर्पस सब जगहों पे तो आई थिंक अ 7 स्टिल वेरी गुड जॉब ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में 10,400 हुए हैं और कासिम अली मुरीद के हिस्से में ड्रामा सीरियल जाने जहां से 1,560 15% बनते हैं 1.5 नॉट बैड वेरी गुड जॉब अब बात करी जाए फीमेल एक्टर की इस दफा हम करते हैं जी रेट आयजा खान स्लैश सवेरा नदीम सवेरा नदीम साहब कर लेते हैं सवेरा हैज मेंटेन्ड हर मीननेस सो ब्यूटिफुली मीनिंग वो उसने कहीं जगह ही नहीं छोड़ी कि आप कहें कि यार बेचारी होता है ना कि हर कैरेक्टर का एक पास्ट होता है एक एक जिसमें आप कहते हो कि अच्छा ये इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है बिकॉज इसके पास्ट में ये हुआ होगा या इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है कि इसके साथ कोई ज्यादती हुई उसने कोई जगह ही नहीं छोड़ी A 9 I think. She's done a very good job. Throughout, she's maintained it. कहीं भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि out of character गई है or anything like that. I think she's done a very, very good job. Very good job. Nadia. 9 for me. Rumina ji. She's doing a swell job, but if I have given Hamza an 8, then this one's a 7 for me. 7. उसके ऊपर कोई नहीं है इस ड्रामे में मेरे लिए. Very good Acting job. Acting में कोई भी नहीं है. ठीक है जी और ऑडियंस की तरफ चलते हैं टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 11,200 हुए हैं और सवेरा नदीम के हिस्से में आए 1,792 16% बनते हैं 1.6 मिले हैं वेल डन वेरी गुड जॉब अब बात कर ली जाए हमजा अली अब्बासी की बिना जी ही वाज अ 10 लास्ट टाइम ही इज अ 10 दिस टाइम आल्सो ही इज आई जस्ट थिंक ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब एक्सीलेंट नादिया हमजा तो फिर मेरे लिए ऑलवेज यू नो मुझे तो एक्चुअली इस एपिसोड में हमजा के एक्सप्रेशंस ने सबसे ज्यादा मेस्मराइज किया है बिकॉज आई कुड रियली फील हिज पेन हिज कंफ्यूजन हिज अनहैप्पीनेस एंड ही इज बीइंग स्टक इन वन प्लेस एंड नॉट knowing how to get out of it. So ये मुश्किल जगह थी जो सारी उसने बड़ी अच्छे तरीके से convey की हैं
आई थिंक डेफिनेटली एन 8.5 फॉर हिम. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 10,400 किए हैं, और हमजा अली अब्बासी के सीमे ड्रामा सीरियल जाने जहां से आए हैं 1,456, 14% बनते हैं, 1.4 मिले हैं इनको. अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे, ओहो हो हो क्या बात, उसमें शादी फाइनली हो ही गई. कैसी लगी शादी शिब्रा और शामीर की? शामीर राइट. मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. शुरू करेंगे नादिया खान. नहीं तो ये किस निगाह से? मैं कह रहा हूँ ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद. पहली चार सीजन ने मचाई धूम. इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. वेलकम बैक. एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम. और अब हमारा क्विज शो स्टार्ट होने लग रहा है. क्विज शो है इश्क मुर्शिद के बारे में. तमाम जजी से बहुत सारे सवाल होने वाले हैं और देखते हैं जो सही जवाब देगा. सही जवाब देंगे आप ट्रोल होंगे तो ये भी हो सकता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं. पहला मेरा सवाल नादिया आपसे ये है कि जब नूर जो कि शिब्रा के वालिद हैं वो ना कर चुके थे तो वो अचानक हाँ उन्होंने क्यों कर दी, ऐसा क्या हुआ? बेटी की जिंदगी लास्ट एपिसोड में बेटी की जिंदगी का मामला है. वो कहते हैं मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपनी औलाद के साथ कुछ होता बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मेरी एक रेड लाइन है. मतलब जी जी कि मैं खुद मरना पसंद करूंगा मेरी औलाद. फिर अब बेटी की जिंदगी मैंने ये एपिसोड 4 दफा देखे. जब मैंने पहली दफा देखा तो मुझे 5 सवाल मेरे जहन में बने, मैंने लिखे. दूसरी दफ़ा देखा तो 9 सवाल बन गए. तीसरी दफ़ा देखा तो 15 सवाल बन गए. चौथी दफ़ा देखा तो पेज ही ख़त्म हो गए. इतने सवाल आए कि ये क्या क्या ये ऐसा होता है जैसे आप टीचर क्लास से निकल जाए ना, बच्चे को कहे बेटा क्लास में मॉनिटर बनो मैं अभी आ रही हूँ 12 घंटे के बाद, तो ये वैसे क्लास चली है. टीचर नहीं था इसमें, पता नहीं कुछ. जो मैंने सवाल आपसे किया वो क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं. वो इतना बिल्डअप था एक चीज़. इतने सवाल हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ कैसे हो गया, ना कैसे हो गया, ये तो एक शर्त है सर. बिकॉज आई थिंक उसको एक वो पॉइंट मिल गया कि आई कैन ब्लैकमेल हिम. या बिकॉज ही वॉज किडनैप्ड ना, एंड ही वॉज फोर्स्ड टू टेल बाय आर माफिया बॉस ने उसको किडनैप किया था ना बाप को, और कहा था कि ये चीज़ नहीं. तो जब वो आया ना कहता मैं अपना मुँह बंद रखूँगा और ये नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो. ब्लैकमेल कर रहा है उसको एक्चुअली. अब आप शादी कर दें तो चाहता ही नहीं है कि यहाँ शादी हो. एक बात और ये कि जान की धमकी दी. मेरे एक सवाल हो रहा है, एक सवाल हो रहा है. There were two conversations he had with his daughter. तो उसको कैसे लगा कि अपनी शिब्रा को मारेंगे? उसने स्ट्रेट कहा था कि तुम उसका जनाजा उठाओ. इतनी सख्त लाइनें थी, जनाजा शिब्रा का उठाओगे. और बात मुझे तो यही लगा. अच्छा मजे की बात है कि जो आपकी ये विलेनेस है मैडम, जनाजे की बातें कर रही है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी बातें कर रही. कुछ ज्यादा नहीं हो गया ज्यादा हम ज्यादा जालिम नहीं हो गए? थोड़ा पापा कम करना चाहिए था हमें. नहीं तो शिब्रा ने स्टैंड क्यों नहीं लिया अपने बाप के सामने? बाप कहते हैं जब रिश्ता मांगने आते हैं बाप इनकार करे तो शिब्रा का लड़ना बनता नहीं है. तो वो तो अच्छी बच्ची ना, चलो ना बाप से बात बाद में तो की थी ना, जब उसने कहा था कि मुझे अपना तो नहीं पता लेकिन वो मर जाएगा, आप उसके बाप के किए की सजा उसको क्यों दे रहे हैं? वो तो हो गया, उसके बाद रिश्ता लेके आते हैं. हाँ उसके बाद वो रिश्ता लाए तो वो जाहिर है बाप के साथ बदतमीजी तो नहीं. उसने फिर उसको कहा कि अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती और वो रो रही थी, मीनिंग दैट आई एम नॉट हैप्पी ओवर व्हाटएवर ही सेड बट अभी तुम चले जाओ. सो यही तक ही हुई बात. सबसे दो और बड़े प्यारे सवाल हैं कि आप एक एपिसोड में देखें और मैं क्या करूं, वो रिश्ता पक्का कर रहा है. आप ये बताएं कि वो लड़का कहां गया जिससे शिब्रा की शादी होनी थी, जिससे पापा पूरा पक्का करके आए कि रिश्ता हो गया, जहेज नहीं लूंगा मैं अंकल. हाँ बिल्कुल ठीक है डन और खत्म. रैंडम लड़का. उसके बाद वो कहां गया लड़का? नहीं रैंडम नहीं था, मंगनी भी हुई थी. वो लड़का किधर गया उसके बाद? जो घर आया था जब ये लोग सारे नमाज के लिए गए थे, पूरा रिश्ता कर दिया उसके बाद मना कर दिया. आप कैसे चले गए? नहीं दिखाया नहीं उन्होंने, मना मना किया, पूरी बात पक्का करके उसके बाद उसके घर रिश्ता लेके चले गए. फिर उससे भी प्यारी बात, शादी हुई है अगले दिन दोनों अपने कमरे से निकले और आके ना सलाम ना दुआ ऐसे खड़े हो गए. हाँ सो अब वो कह रहे तो वो मम्मी शुरू हो गई, कहाँ जाओगे तुम, कहाँ जाओगे सारी दुनिया के उसने बता दिया. और ये खड़े में वो मुझे इतना बदतमीज सीन लगा कि बच्चा बच्ची शादी के बाद अगली सुबह आप पहली दफ़ा आए हैं, ना आपने माँ को सलाम किया ना बाप को सलाम किया,
बिलाल और मुझे ये बताएं, ये बताएं ऐसे खड़े, ऐसे खड़े और ब्लैंक और एक मोमेंट है, अजीब सा पॉज और साइलेंस, डायरेक्टर भी कुछ नहीं कह रहा कि सब कहाँ चले गए थे, बस हाँ, वो दुख like, होता है कि आपके बहुत सवाल और कैरेक्टर जो आप बिहेव कर रहे हैं सब अपने कैरेक्टर से आउट, आप तीनों मिलके के मुझे दिखा दें तो ये है। रुबीना जी आप, मेरी इमोजी जरा सी फर्क है बिकॉज मैंने ये एपिसोड देखा है बद्दो के साथ बैठ के और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा लगा। ओह नाइस, ना करें तो फिर बताएं, प्लीज एक्सप्लेन इट फर्स्ट। हां उनको इतना मजा आ रहा था। अच्छा, हां हां, क्योंकि वो देख रही थी बिलाल के एक्सप्रेशंस, देख क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, हां क्या चल रहा है। प्रोग्रेशन जो था कहानी का वो ये था कि अब जो है कहानी वहां से निकल के मैनिपुलेशन से, और बाप भी, दोनों बाप अब पॉलिटिकल हो गई है, दोनों बाप आमने सामने आ गए हैं। वो जो तुम क्वेश्चंस कह रहे हो वो सब अपनी जगह है, वो कहीं नहीं गए, वो कोई सॉल्व नहीं हुए, वो सब पड़े हैं। लेकिन आपका ध्यान बिलाल की तरफ, लेकिन नहीं, लेकिन ध्यान उन्होंने इस जगह पर दिया कि ये जो बाप है दूसरा, उसने अपनी बेटी से अब हिम्मत पकड़ी है और वो आ गया है ये देखते हुए कि वो दो बच्चे ना खुश हो रहे हैं सिर्फ इस एक आदमी की वजह से जो कि बाप है दाऊद, और मैं दाऊद को, अब मेरे पास कोई पुरानी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि वो सिर्फ किडनैप वाली बात थी, उसके अलावा भी कोई बैकग्राउंड है इन दोनों आदमियों का। ये इसलिए ऐसे जा रहे हैं क्योंकि एक दिन बिलाल ने खड़े होना है शायद अपनी माँ के मौत के सवाल पे या किसी ऐसे सवाल पे जो कि सिर्फ दाऊद को पता है और सुलेमान को पता है। आई गिव देम अ वन, गुड जॉब मैना जी। ये करूं विद अ टियर ड्रॉप, मेरे लिए तो ये है। डायरेक्शन एक्टिंग रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। अब बात कर ली जाए जी राइटिंग की। नादिया, इश्क मुर्शिद की राइटिंग इतनी अब कमाल है कि मैं भूल ही गई हूँ कि इस ड्रामा किस बारे में था। मैं भूल गई है ना, मुझे अब याद भी नहीं कि शिब्रा का बैकग्राउंड क्या था, बिलाल, मुझे कहानी भूल गई है क्योंकि अब सब कहीं बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, नहीं समझ आ रही कि वेयर इट्स हेडिंग। बहुत अचानक शादी, बाकी डायलॉग्स लाइंस की बात करूँ तो सबसे वीक पार्ट ही इस ड्रामे का स्क्रिप्ट है। Still good job. रुबीना जी, आपने तो बद्दू के साथ देखा, आपको स्क्रिप्ट में कौन से अच्छा लाइनों में कहीं कोई वो नहीं था उनको ना, उनको तो सिर्फ बिलाल को देखना था, देख रही थी सुन, और बिलाल के एक्सप्रेशंस देख रही थी और रोमांटिक सिचुएशंस देख रही थी, which is what everyone else is also looking at. Yeah, they look nice together. Because that's what they're looking at. कि बस अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, और ये दोनों क्योंकि वो कह रही है कि तुम चले जाओ यहाँ से, और वो कहता है कि हाँ जो हम तुम कहोगी तो मैं चला जाऊँगा और तुम कहोगी तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने बस में कहाँ हूँ, तो छह ही हैं। Still good job, महीना जी। Numbers I would give 6. और इसी तरह चलते हैं जी, total board जो cast हुए हैं writing की category में 10,200 हुए हैं, और अब्दुल खालिक खान साहब के हिस्से में drama serial इश्क मुर्शिद से आए हैं 2,042 मिले हैं इनको, और ये वही drama था जब ये start हुआ था, तो इसको literally 0.2 नहीं 2 मिले हैं इनको, इनको total board जो मिले हैं 10,200 में से 2,040 मिले हैं, 20%। ये ड्रामा एक जमाना था कि 70% लेके जाता था नंबर शुरू में जब स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऑडियंस की तरफ से भी वोटिंग काफी कम हुई है। But 26 million views, baby. You can't, उसको तो हम फॉल्टर नहीं कर सकते ना। बात कर लिया डायरेक्शन की, फारूक रेंद, नादिया, 5 ओके जॉब। रवीना जी, एक सीन था जिसमें वो किडनैप करते हैं ना अब्बा को, जूते पॉलिश करवा रहे होते हैं, उसका एंड बड़ा अच्छा था कि वो लेके चले गए और वो जूते वाले के हाथ में जूता और ब्रश है, और उस जूते और ब्रश में एक्सप्रेशन था कि ये क्या हुआ यार, मेरे सामने ले गए, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे लगा ये तो कोई बहुत इंटेलिजेंट सा शॉट था। बट उसके बाद एक सीन आया जिसमें शादी हो गई और शादी में वो कटिंग्स हैं दोनों की और वो बातें कर रहे हैं, बैठ भी गए हैं आमने सामने, उसके बहुत सारे जंप कट्स थे बिकॉज इट वॉज इस एंगल से उस लड़की का प्रोफाइल, इस एंगल से लड़की का प्रोफाइल, ऊपर से, और वो बहुत जंपी था,
So that was, I said, ये क्या किया? I think six. अगर आपकी नजर सिर्फ शिब्रा और बिलाल पे है तो आपको ड्रामा बड़ा मजे का लगेगा. ये भी एपिसोड हमारी तरह अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे मत देखिए, आप ऐसे देखिए. Eyes on the prize. हमारी तरह देखिए तो 26 मिलियन थोड़ी होती है. हां जी, ना देखिए वरना बिल्कुल. अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो आप सही देख रहे हैं. सही देख. मैना जी सॉरी, डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,400 हुए हैं और फारूक गिन साहब के हिस्से में आए 1,872 आपका कमाल भी नहीं ना जी, अल्लाह का काम है बस. इफ यू लुकिंग ब्यूटीफुल सो, बट हाँ मेकअप बहुत अच्छा था, उसके नंबर बिल्कुल दिए जा सकते हैं क्योंकि हल्के मेकअप क्राइटेरिया बदल गया हमारा. हाँ, एक्सप्रेशन अच्छे थे ब्राइडल सीन में, रोने वाला भी अच्छा था. सो आई थिंक आई विल गिव हर अ 6.5. बहुत ज़्यादा ही है, ज़बरदस्त रुबीना जी ने दिए उनके लिए बड़े. सो आई ओवरऑल एम इन्जॉइंग हर परफॉर्मेंस इन इश्क मुर्शिद बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द क्यूटनेस ऑफ इट, तो आंखों में बात करना. हाँ. इशारे करना वो मतलब खुद बनाया इन दोनों ने और वो हाँ, वो और अच्छा है. मीनिंग ओवर नहीं लग रहा, अंडर नहीं लग रहा, इट्स क्यूट. सो आई वुड से 7. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 11,200 हुए हैं और इश्क मुर्शिद से दुर्रे फिशा सलीम के हिस्से में 2016 18% बनते हैं 1.8, सेकंड हाईएस्ट है क्योंकि दुर्रे फिशा सलीम को शिकस्त भी दुर्रे फिशा सलीम ने ही दी है ड्रामा सीरियल खई से. अब नादिया बिलाल अब्बास 8. रुबीना जी आई थिंक डेफिनेटली 7 फॉर बिलाल. 7, वेरी गुड जॉब. मैना जी रियली रियली क्यूट, सो आई विल आल्सो गिव हिम अ 7. 7, वेरी गुड जॉब. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,400 हुए मेल कैटेगरी में और इश्क मुर्शिद से बिलाल अब्बास कैसे में आए हैं 3,432. कौन बाजी लेके जाएगा, कौन सेकंड थर्ड और फोर्थ पे आएगा, वो सब आपको दिखाते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद. पहली 4 सीजन ने मचाई धूम. इतनी मोहब्बत और पजीराई के बाद कैसे ना होता सीजन 5 का आगाज. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. वेलकम बैक. और जी रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं, देखते हैं इस हफ्ते कौन बाजी लेके जा रहा है. आइडिया तो है हम सबको लेकिन फिर भी फिफ्थ पोजीशन पे है जी. सबसे पहले राइटिंग की बात करते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने. फिफ्थ पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद से अब्दुल खालिक खान. इनको मिले हैं 20. नॉट बैड, स्टिल अच्छे नंबर हैं. स्टिल वेरी गुड. और जी फोर्थ पोजीशन पे हैं अवैस अहमद और अदील अफजल. ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल से इनको मिले हैं 21.5. थर्ड पे रुबीना जी जाने जहां. थर्ड पे है जी परीसा सिद्दीकी बांस रोड के रोमियो जूलियट. इनको मिले हैं 22.9. थर्ड पोजीशन पे मुकाबला है रिदा बिलाल और सकलैन अब्बास में. कोई मुकाबला नहीं है. सही है. मुकाबला फिर भी कर तो रही है ना. तो रिदा बिलाल जी सेकंड है जाने जहां से. इनको मिले हैं 25.6 और विजय करार पाए हैं सकलैन अब्बास 32.5 से. ओ 32. यस वेल डन वेल डन सकलैन अब्बास. आपने सही कहा था कि जब तक ये ड्रामा चल रहा है ये किसी को विनर नहीं बनने देंगे राइटिंग कैटेगरी में और ये एक्चुअली हुआ है. आई थिंक एक दफा सिर्फ रिदा बिलाल ने या दो दफा इनको पीछे छोड़ा जाने जहां वहां एक दफा हुआ था क्लीन स्वीप. अदरवाइज तो सकलैन अब्बास हमेशा से आगे जहां जजेस की सबसे कम नंबर मिले सकलैन अब्बास ने खुद कहा था. हां हां यहां बैठे कहा था. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने इस हफ्ते की. फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी फारूक रिंद साहब इश्क मुर्शिद से. इनको मिले हैं 17.8.
फोर्थ पोजीशन पे हैं जी काशिफ निसार साहब स्टैंड अप गर्ल्स से, इनको मिले हैं 22 पॉइंट्स। थर्ड पोजीशन पे हैं, एनी गेस? आई थिंक नाउ थर्ड पोजीशन डायरेक्शन में जाने जहां होगा। बिल्कुल सही, जाने जहां है कासिम अली मुरीद है 24.5। तो मुकाबला है फजर रजा और सैयद मजाल हुसैन, ये दोनों ही क्या कमाल के डायरेक्टर हैं, बहुत। और काशिफ साहब तो कितने जबरदस्त डायरेक्टर हैं इस सारे। शुक्र शुक्र। फजर खान जी सेकंड पोजीशन पे हैं, इनको मिले हैं 26.4 और विनर करार पाए हैं ड्रामा सीरियल खई की लास्ट एपिसोड से सैयद वजाहत हुसैन को मिले हैं 33.8। वेरी वेरी गुड। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी ज़ारा नूर अब्बास स्टैंड अप गर्ल से। ओके जी, फोर्थ पोजीशन पे हैं दुर्रे फ़ज़ा सलीम, इनको मिले हैं शमूशा से 22.3। अब देखते हैं थर्ड पोजीशन पे कौन है, एनी गेस? नादिया? मैं तो है ही नहीं। खत्म हो गया। जाने जहां। थर्ड पे हैं जी इकरा अजीज ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो जूलियट, इनको मिले 23.3, बहुत से नंबर मिले हैं। और मुकाबला है सवेरा नदीम और दुर्रे फ़ज़ा सलीम, यानी जाने जहां की सवेरा को, जाने जहां की विलन और चनार खान की लाइफ की विलन में। तो जाने जहां से सवेरा नदीम को मिले हैं 26.6 और विनर करार पाई हैं एक दफा फिर ड्रामा सीरियल खई की लास्ट एपिसोड से दुर्रे फ़ज़ा सलीम 31.8। वेल डन जमदा, वेल डन। अब बात हो जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। हाँ जी, एनी गेस? फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ वुड बी, हम किसको दे रहे हैं फिर? हमजा? ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ होगी क्योंकि अभी तक हम जिस पे फिफ्थ स्टैंड रखे हुए थे कुड बी स्टैंड अप। दानियाल द फर्स्ट पोजीशन पे हैं, स्टैंड अप गर्ल्स, इनको मिले 21.9। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी हमजा सुहेल 24.4, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो और जूलियट से। थर्ड पोजीशन पे हैं जी, ये बड़ा टफ कंपटीशन है। थर्ड वुड बी बिलाल, बिलाल अब्बास, बिल्कुल सही का ड्रामा सीरियल इश्क मुझसे 25.3 और मुकाबला है खई के फैसल कुरैशी और जाने जहां के हमजा अली अब्बासी में। सेकंड जाने जहां एंड फर्स्ट, बिल्कुल सही, जाने जहां से हमजा अली अब्बासी को 28.9 मिले हैं और ये सेकंड पोजीशन पर विनर करार पाए हैं द वन एंड ओनली फैसल कुरैशी चनार खान और मिले 33.5। और अगले हफ्ते से उनका मुकाबले के फैसल होंगे भी नहीं, तो हमजा के लिए लाइन क्लियर है। हमजा फैन बोल, शहराम फैंस बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जी अब बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे है जी इश्क मुर्शिद, सॉरी आई कीप फॉरगेटिंग दैट्स आल्सो देयर, 85.4 मिले हैं। और फोर्थ पोजीशन पे हैं स्टैंड अप गर्ल, 86.9 मिले हैं और मुकाबला है बंस रोड के रोमियो जूलियट खई और जाने जहां में। थर्ड पोजीशन पे हैं बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट, 97 मिले हैं इनको, वेल डन, बहुत से नंबर मिले हैं खई और जाने जहां। और सेकंड पोजीशन पे जाने जहां है एक दफा फिर और इसको मिले हैं 105.6 और विनर करार पाई है खई की लास्ट एपिसोड 131.6, एक बहुत बड़े मार्जिन से। बहुत बहुत मुबारक हो खई की पूरी टीम को और हमारे आज के शो का इख्तिताम हो जाता है, लेकिन जब हम आपसे वापसी दोबारा मिलेंगे तो ईद हो चुकी होगी, तो ईद के ऊपर कुछ कहना चाहें भाई? हमारी मुबारकबाद सबको, आप लोगों को रमजान मुबारक कहा था, अभी मुबारक कह के जा रहे हैं क्योंकि हम मिलेंगे आपसे ईद के कुछ दिन बाद। नादिया, ईद मुबारक सबको, बहुत मीठी ईद, बहुत प्यारी ईद सब रिलेटिव्स के साथ। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक।